ਕਿ ਰੀ ਢੇਰ ਵਰ ਨਾ ਹੋ ਬਿਰਹਾ ਇਸ਼ਕ ਪਾਰੇ ਲਚਾਲਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਕੋਈ ਫੂਲ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਤ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਨਾ ਗਾਈਲਾ ਆਪ ਲੋਕ ਗਾਵੇ ਲੋ ਔਰ ਜਬ ਗਾਵੇ ਲਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਆ ਜਾਈ ਕਾ ਹੋ ਲਾਈਨ ਕਵੀ ਜੀ कितना देने के बजा बजा के भेज दिला कैलाश भैया का तोहरे पर बड़ी ताक हो तोहरे पर बड़ा पुल बांधे लग पब्लिक तो न जा रही लेकिन कलाकार देने के तोरे हरमुनिया ग्रीड कहाँ कटत हो या। अब गावे की हरमुनिया ग्रीड ये गड़बड़ हो अच्छा ठीक हवा एक वतन की सरपरस्ती गाल बातों से नहीं होती है वही जो मनुष्य के लिए मरे जन्म तो सब ही ले ले हो चाहे मेहरानू चाहे मेरा बड़ी मेहरानू हुई है ले तू राज लेकिन आज इतो देखो लू अगर देखा मेहरानू का ना कह सके सच्चाई हो मौज आप लोग लेता लेकिन सच्चाई बोले ला गजल की यहाँ छंदाज लगल नजर ऊंची कर दी तो दुआ बन गई नजर नीची कर दी तो हया बन गई नजर फेर ली तो कदम बन गई नजर तिरछी कर दी तो अदा बन गई आशिक ने अपनी मासूका को समझा रहा है इतना उछलो कूदो मत जमाना खराब है खराब है लेकिन कलाकार कहते हैं लिखने वाले कहते हैं कि जमाना हमसे है ना कि हम जमाने से है यही से जवानन पर भी कहल गल कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है जमाना जरत हो जमाना लेकिन तुहार पेट भरत हो ना परिवार के तरफ से कैलाश भैया के पूरे परिवार के चाहे भौजाई हो चाहे बहिन लोग हो चाहे सड़ुआई लोग हो सबके हाथ से माधो दूध प्रणाम हो इसे बड़ा प्यार को नहीं बाकी आप लोग प्रेम से दूध के विरास में संभल के रहो जमाना बड़ा खराब है खेलने के हो आज जमाना खराब हो उसके सुना बतावत थे कहीं दूर के बात नहीं बतावत थे ये हमारे टोले मोहल्ले गाँव है तो लड़का कुछ और भी हो वहाँ हम गोले लिखे गीत की पील पुदीना पेट गड़ी ना उनमें ये बिंदु म्यूजिक विराह म्यूजिक चैलेंज रिलीज भी बनल आप लोग पसंद कैला और नितवरा से भी रह रहा है विराह में मूड बन गया आप लोगों के भाव प्यार मिल गया तो जब ना बोले के शुरू से होके बोल जाना ना विराह फिर पूछबा तो बता दे I'm gonna
अमृत हो जाई जी देखा बड़ा पाक रिश्ता होला भैया देव हो जाई के मतारी शमान भी भौजी बोले लेकिन भौजी से देवर जौन बात अपने मेहरारू सुनाते है के वो कहेला और भौजाई अपने पति से जौन बात न कही है तो देवरे से आके कही है मुझसे कहले भी है लो अब सरदाइन के भी नंबर लगे कि अच्छा ही भैया भौजी की तरफ से बात शुभावती श्री मती शुभावती जी की तरफ से आशीर्वाद मिलल बहुत बहुत प्रणाम बा भैया के नमस्कार प्रणाम पूरे परिवार के हो लेकिन गणवा के अंदर भाव बा अच्छा अच्छा ये हमरे पड़ोसी हम तो जानते रहले मुरारी भैया जानते रहे वो बड़ा मानव भी हूँ नवा का बतूल भैया प्रभावती जी देखा नाम कितना संयोग से बैठे हो स्वभावती है प्रभावती ये अपने स्वभाव से और अपने प्रभाव से यार कैलाश भाई ये तुम्हारे जयराम भैया हमारे हो चढ़ू भाई बहुत बहुत नमस्कार बाप शरदाई जी की तरफ से और आप सभी प्रणाम नमस्कार हो कहानी के मेरे बंदी भाई याद रहे कहानी के हमरे मेरे बंदी हो आप लोग ध्यान दा एक दिया छह बजे बोले तो 3000 रुपया लगा ला। अच्छा बतौली यही से कि तुहा जितना वो जान थे हम नहीं जान थे और तू जितना उन्हें जानत हो वो तुहार एकदम जगह जगह के कुल पुर्जा पुर्जा जानत थी यहाँ तू यहाँ तक पीटता हुआ और घर हो कितना पीटे थे हो जाने लगे याद है हनुमान जी को त्यागी पुरुष भरत जी अपने तीर से उस वीर को पहुंचा देते हैं इधर का त्याग देखे जिनके त्याग से हम लोग सांसे ले रहे जिनके त्याग से हम लोग जी रहे दुनिया वीर हम बताइए धरती पर जवान है एक अन्नदाता दुनिया का मालिक किसान है ये दो जने के हटा दा तो जितना जेकर महल हो चाहे अधिकारी हो चाहे नेता मंत्री हो सब कर बाहरे हो जाए कभी लिखल है एक अंग्रेजी राइटर अपने संवादन में उल्लेख किया था बाबू जी के सन
46 से लेकर के 48 तक भारत में जितना कदर हुआ आज तक उतना कदर कभी भारत में नहीं हुआ। भाई भाई के खून का प्यासा हो गया ये शहर, जहां हिंदू देखा मुसलमान भाई के कत्ले आम मचा गए। कभी दिखलन जे ढेर वही शेर की कहानी है, मची भगदड़ तबाही मातम की रवानी है। लोग घर बार छोड़ करके भागे हैं, मझधार में लोग फरियाद नहीं सुनेल। ई सच्चाई हो, बनल हो तो सब कोई सुनी, बिगड़ल हो तो यही नाते कहल जला कि दीनन के खाली एक भगवान ही हुआ करते हो। वो समय एक कहानी संज्ञान में आई, मार काट मचल हो साहब, लोग घर छोड़ करके भाग रही है। जहाँ जो दुबकता है जगह पाता है दुब जाता है। रामायण तो बहराइच के रहने वाले बल्टा खींच करके बाबूजी दूध का बिजनेस करके वापस चले आ रहे थे, उन्हें भी खबर लगी है कि मार काटा मचल बा। बहराइच में हमार घर हिंदू भाई कि लोग कम हो मुसलमान भाई लोग ज्यादा हुआ, दिल धक 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 करत हो। जो ही घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे थे मुसलमान भाई दौड़ल तलवार लेकर के, और बाबू वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। रामा यादव कत्लेआम में मारे गए, खबर लगल हो दुई बचवा हुआ घरवा मेहरारू हो, नाम बताओ गई विदेशिया का लाइन भाई हका जिला बाहर आई चो अरे रामा यादव का बखरी और राधा सयानी राम सामुदी ललन। ये बाबू राधा या भगिनी के अमनिया भवाई गई ली हरवई में अछूती गई ले पिताजी मारे गए सिंदूर दूर गया, पत्नी है राधा दुई थे बटवा हुआ रामू और सामू, रामू बाहर बरामदे में है कच्ची बखरी बा पीछे के कुठरी में सामू के लेकर दुबदल हो। खुश जाएंगे मेरे घर में बच्चे को लेकर पीछे से जाती है, लेकिन बिछुड़ गया रामू। जब बिछुड़ गया रामू जान बचाने के लिए सब कहा लगे दुनिया में कहा प्यारा हो तो यह आवाला की सबके अपन प्राण प्यारा हो। बाहरे के रास्ते से जो मेन गेट था उसी तरफ रामू भागा है, दौड़ते आ रहे हैं मुसलमान भाई तलवार लेके तोड़ा लेते हैं। इस गलगल की मारे वाले से लंबा हाथ बचाव वाले कहो और खाली हमारे में ध्यान दो, खाली हमारे में ध्यान दो कतो गोबर सही कराओ के छोड़े समय भागल हो रामू भैया। लोग दौड़ा लिए साहब, दौड़ते दौड़ते एक मुसलमान भाई के घर में घुस जाता है और जब घुसल बात तो वहां से आवाज आई बेटा इधर लोग पहुंचे हैं तलवार लेकर के पीछे कर दिए। याद रहे कौन सी गीत कौन सी लाइन है कि गैया के खोजे जैसे मुसलमान के हाथों लगा बाह बाहरे मालिक तेरा बास किसमें नहीं है, खून किसी का भी अगर काट दिया जाए तो उसमें कहीं हिंदू नहीं कहीं मुस्लिम नहीं कहीं यादव नहीं कहीं जमार नहीं कहीं कोई ऐसी बिरादरी का वो नहीं होता है। कौन थे सन्नी बाबा और पीछे कर दिए बच्चे को बंद कर दिए और छीन करके कटार करते पहले मुझे मारो पापियों अगर नहीं मारते मैं खुद मर जाऊंगा तब उस बच्चे पर हाथ चलाना। यह मानवता का मूल होता है कि पाकिस्तान भाग दौड़ में बताया गया जिसको जाना हो चले जाए। वह सन्नी बाबा रामू के लेके पाकिस्तान एलन, पढ़ा लिखा खिया पिया के कैलन है का कि अले पाकिस्तान अरे सुलतान भैया पढ़ा लिखा सा
सिद्धुआ चेलर हो गया, शमीवा पढ़ा लिखा करके मुसलमान बना दिल सुल्तान नाम से फेमस है। हर दिन एक एक दिन गुजरत हो, पति का वियोग और बेटे का बिछोर उस नारी के कलेजे से पूछो, बताओ जला की दूसरे की पीड़ा अपने कलेजा पे ले बता है सासू के दुख का होला। लिखे वाले लिख लें जाके फटन पैर बिवाई ऊ का जाने पीर पराई। राधा रो रही है, रोवे राधा, अरे रोवे राधा, बजर की राय देहला पीर एक रोज का काम है, बच्चे को खिलाती है पिलाती है शयन पे सारा बचा है, बेटे का भी हो पति का भी हो, नारी रो रही है लेकिन धीरे धीरे दिन बढ़े लगल। रो भगवान से कहे कि कई के जोर अरे कई अब तो सुझाला नहीं ये कहूं का बहन जी उर्मिला जी के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार भैया कैलाश के बहुत बहुत पुरस्कार बहन के यथाउचित मालिक सुखीर के आशीर्वाद का आराम उनके बिल पर है। ए बाबू रो रही है रोज के रोज, कैसो कैसो नारी भारत की अपने उसी बेटे को पालन पोषण कई के रोए धोए के खियाए पियाए फिराए के जवान कैलिन है, जवान कैलिन हो घर के गांव के लड़का दौड़ लगावत हूँ मिलिट्री के भर्ती हो और रामू फौज में भर्ती हो गए ना। और जब फौज में भर्ती भल तो गीत बदल कौन गीत हो अजीब बात नहीं हुआ आठ किलो गीत रहा। देखे गीत कोई पुरान नहीं होती है, अपना अंदाज हुआ करता है, सुनबा पहले कहते नहीं पुरान गीत गोली कि करिया मुश्किल वही जमाने की हो है। बहुत बहुत टुकबंदी बैठावल जाले के निकले कोल्हू से पीना तेरी गली में, अरे निकले कोल्हू से पीना तेरी गली तेरी गली तेरी गली में। ओहो आगे वाली रहेगा अच्छू अबू निकली पसीना तेरी गली। बुल्लू कहे कि छुआ की हटा लेते बच्चे जिया है जिया बात जगह की बात, लेकिन ये गीत रहल मेहरारून का हमारे बड़का भैया मास्टर साहब राजेंद्र प्रसाद यादव जी पौना की धरती से बड़े रसिक हैं, बड़े रंगमिजाजी हैं और बिरहा के बड़े शानदार सुनैया है, कई धूम तराना पुहर पातर नन्नी नहीं लगत, हमने के मार्गदर्शन भी करेलन और आज तुहार बिरहा के निक लगल हो और बिहार धर्मा पूर्व चल के पूछो ये जल्दी मेहरारू के बिरहा नहीं सुन लो, लेकिन आज सुन लो बड़े प्रेम से पुरस्कार भी दिल तो ये मान ला कि अब उनके निगाह में तो उनके भी पसंद हो। बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई के प्रणाम नमस्कार करीला ई दुर्जन जी का विश्वनाथ जी का परशुराम जी का चहेता हूँ, इनमें दुविधा नहीं है, हमेशा चर्चा करते हैं लेकिन हम तो इसे बदल देली कौनो मेहरारू ठठनवा करा था हाँ ठकनवा करा तो हमके उड़ा ली हमके
बोलते हाउ चाहिए का चाहिए। हाँ भाई वही परदम बतावत हो करे की करे हाउ कौन चाहिए कह के हाँ लिंकिया के पापा जोन पड़ोसी हो ना कुल काम अपन मशीन से करवा मत हो हाँ कहते पीछे वाली लीवा ते कुटे वाली लीवा कह करे जब तक मुसनिये से करवाई थी तो कहा कि जमाना सही है बदल गवा है कहा कि बदल तो है बदल गया लेकिन हम खाटी मरद है सुनो तो किसान के मेहरारू हो कि बदल बदल जमीन बोरी बदल ला जमीन जमीन दस का दस हो जमीन का भाव बढ़ गया सोनो न पाई और ये हमारे कैलाश नाथ यादव जी भैया के बहन सिस्टर शीला जी की तरफ से रहा बहुत बहुत नमस्कार यथाउचित प्रणाम हो मालिक सुखी रखे कि बदल अरे मशीन गोरी बदल ला जमीनिया अकूल काम शुगर का मरीजी हो गए ना 9 बजे उठबू और उठले के बाद तो हम मशीनिये से कौन मशीनिये से सीमनो चढ़ा लगल से काम खत्म मर्दन कह यही से कल की का करबू लेके जवनिया के कुल काम करवावे लू मशीनिया से लेकिन अरे हो गए सयान सामू लागल बालगानिया मिलिट्री के जवान आयल घरे भरे के तिलकहरू होए लगलन कि ब्याह कल भैया अच्छा तो जोगे संजोग से शामू के मेरा नाम के सुंदर दुल्हिन मिल गई मिलन भयल संयोग देखा छुट्टी से आयल हो और वही मिलन में बसंत के जब भार आयल हो तो बसंत खिलल हो फूल खिलल हो बड़ा खुश हो तब तो सन 1965 में पाकिस्तान अपने भारत पर चढ़ाई कर दिया टेलीग्राम आया है शामू तेरी छुट्टी रद्द की जाती है परिवार के साथ माई के साथ मेहरारू के साथ लड़का के साथ खेल दौलत हुआ अब तक खबर आई है वो देखा जवान का दशा तुरंत हल दिया है गीत लगल कौन गीत हो बदल गए हमने तो छोट छोट रही पहले ही धरती यही धरती मुक्तिगंज के इर्द गिर्द में अगर केहू का विवाह हो तो गुरु जी विश्वनाथ से ही कई कार्यक्रम हुआ आज भी सम्मान किया जाता है बुला करके रामदेव से मथुरा में सुन रही रामदेव से जब विरह रहा तो एक धून गल विश्वनाथ जी कौन धून गल Thank you.
ध्यान नहीं लहल तो नहीं, लेकिन यही जब विश्वनाथ जी गुरु जी के उलन रामदेव के पारी आये तो का सटोलन का सटोलन आओ दुश्मन की मौत दिखाट उतारा है, कूद रहा है, उछल रहा है, हनुमान के जैसे ले करके अपन हथियार जब खत्म हो गए हो, चंदन में वीर फंस गए हो, उस समय के भाव बा बंदी बना लिए पाकिस्तानी, और बंदी बना करके युद्ध बंदियों वाले शिविर में ले जाते हैं, और ले जाकर जब कैद खाने में बंद के लिए तो देखा वहां का भाव में सुल्तान उर्फ रामू है, लेकिन आग धोखा गई है अपने भाई को, रामू उर्फ सुल्तान सामू को पहचान नहीं पाया, कैद कर दिया, जेल के अंदर बंद है, एहर घरवा राधा और मीरा बसंत मुन्ना अपने काका के लोकले के बसंत पति के लोकले के मीरा राह जोहते जोहते काफी दिन गुजर गया, धीरे धीरे वो बसंत मुन्ना रेखा बांस के जरे बस ये पैदा बासर पैदा हो, भले वो कोई नहीं हो सका हाँ लेकिन वो ही है, धीरे धीरे जवान भय नौजवानी की दहलीज पे कदम रखा, जेकर नाम बसंत हो दिन दुगुनी रात चौगुनी हो, गीत माई वही लोग गावे का गावे के माई कहे की बेटी नियर दिया हाँ हो, माई कहे की बेटी नियर दिया हाँ हो, बापू कहे की बड़ी पूरा हो।
का दिन है बाबू, गाँव के बच्चे धरती देख रहे थे, बसंत की धरती देख ले गया संयोग से। वो भी फौजी जवान होकर के घर वाले गांव में दुख पता नहीं हो, घर में किसी को खबर नहीं है, बाबू ने किसी घर वाल पहुंचल मतारी के सामने खराब है, मतारी से कहा था कि माई माई से डर लागल, माई से डर लागल, पतुआ जी का रिया है, भैली हम फौजी जा आटक तो नहीं रहे, लेकिन संगी लोगन से 1.25 किलो लड्डू खरीद के लेके आल, माई के खियावत हो, माई कौन खुशी है बेटा, तब ते आवाज दृष्ट माई हम फौजी जवान हो गयी, माई जमीन नीचे से कैसे गई, घर 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 बहन से आंसू बहने लगल, लड़का सोचत हो बसंत तो सोचत हो कि गरीबी में ए माई मारे खुशी में कि दुखी में काहे रोवत हो, फौजी जवान हो गयी माई, तुहार दुख हो रही हम देश के लिए मरम मिटब, लेकिन मतारी का हालत दुसर हो, रो करके अचरे से आंस बेटवा पूछत हो, मतारी रोवत हो कहे लाल हमके तुहरे खुशी में तनिको खुशी नहीं हो लाल, काहे माई कहे कि हमके कई नौकरिया नहीं, तुझे मैं फौज में नहीं जाने दूंगी बेटवा, तो फौज में ना जाए खुलाल, अरे बचपन से हमार मतारी जो की लोरी सुना सुना करके छरेली गा गा करके बीरन का कहानी बताते रहो, आज वह हमारी हमार मतारी द्रबद हो गई, माई कलस की बेटा तू एक फूल बचल हुआ तुम्हारे तो पापा के खो देली अभी तक पता नहीं चलन, याद रहे तोरे पिताजी के खो देले बा, मतारी भी बगल में बा, दादी भी बैठल बा, लोग समझाओ तो के लाल तो के फौज में नहीं जाए खो, लेकिन यही यही से कहल गल कि हे हिंदुस्तानी पानी है, छलांग वीर फौजी अपने माँ के द्रवित हृदय को कैसे उपकारता है कि बाहर माई बा, कहलस का बचवा हो फौजी जवान भारत का, का कहलस अरे कहल चरण लगाई पीछे यार पीटे में ध्यान नहीं देला कहा तुहे पहुंचावे के, यही से वो कह दिले है कि ओहर भी का नाम हो ऋतुराज जी ढोलक वाले का वीरेंद्र और तू मुन्ना लाल हुआ, दोनों जने के जोड़ी बढ़िया बा, बड़का खेले पीले जा बिरादरी भी तोहन उनके कह हो, हिसाब किताब हमें लगे तो लाइनों पाई ने कह है, अरे दोनों जने जुड़वा भाई लगत बड़ा लेकिन ये हो मेहनत हृदय भी रेडी है, हां मेहनत करत हो ए बाबू कृष्ण की मां अब तक जो अंगार बनी थी मोम बने की छाती है, और पीर पुत्र की माता होकर
मयूरता सिखलाती है। बल्कि ये मतारी वादा है, बाप पिता की करती हो तो चल के पता लगाऊंगा। वचन दे रहा हूँ माता, मैं ढूंढ पिता को लाऊंगा। एक बात और पहले, मर जाता हूँ शेर भले, अरे घास कभी ना खाता मां। शेरनी का बच्चा भय से ना घबराता मां। बढ़िया भैल के ख्याल धरा दिलू, हमरे बाबू के पता नहीं चलल पाकिस्तानी जेल में भर्ती हुआ, और वो लाओ कौन बतारी जो अपने पिता के पता न लगा सके। क्योंकि वचन दे थी माई, अगर सचो तुहरे दूध में ताकत हुई। आशीर्वाद तक कैसे कलश मुन्ना कौन दूर हो कहीं लक्ष्य तैयारी करा, तुम्हारा आशीर्वाद हमके चाहिए। और दिल से आशीर्वाद दिया, द्रवित तन को मत होया। ऐसे आशीर्वाद देखो सुना को फड़कल बा मतारी के आशीर्वाद ले ले हो। और जो समय चलल भैया उसको गीत बा कौन गीत की गोरिया दिन भर रतिया के सही पे दर्दी हो कटिया चला ले, अरे हमसे ढोला है बोझा। लोगों का दशा कहाँ खराब हो जाना हुआ। सही पे दर्दी हो कटिया चला ले, अरे हमसे ढोला है बोझा। अब रतिया भर के फुसला ले, आला हमरे से भाजी सैया माना नहीं कहना जमाने नहीं कहना चला चला चढ़ाई करता है फौजी जवान। बसंत की टोली चली है, जब चली है तो वहां का भाव देखे घर We'll be right back.
तनादन गोली पे गोली वार पे वार करता है, एरिया साफ कर दिया बाबूजी, लेकिन धोखे से एक गोली लग जाती है। पकड़ा जाता है वह जवान घायल शेर, और लेकर के पाकिस्तानी सैनिक उसे भी उसी कैद खाने में ले जाते हैं। याद रहे जहां पर वह बूढ़ा शेर सामू बंद है, वहां पर यातनाएं देते हैं, लेकिन उधर घायल शेर अखिया अपने गांव से अपने जिला से अपने भारत के लोगों के निहारत हो कि केहू आ जाते हमारे गौवा का हमारे परिवार का हमारे जिला जवान का संदेश लेकर। जो ही गरीब पहुंचा है तमाम यातनाएं दे रहे हैं अपने जवान के पाकिस्तानी पापड़ भावा उस दाढ़ी पक गई है, पाल चटा बन के भोलेनाथ का रूप लिया है, अखिया में बड़ा ललक हो जवान हमारे हिंदुस्तान के हमारे करीब आ जाओ बेटा। हाल चाल करते है बेटा, तू कहाँ का रहने वाला है लाल? बताता है जब बेटा निकला है मुख से तो पिता के चरणों में प्रणाम करके कल उसके बाबू जी के प्रणाम बाहर देखे मालिक की लीला अगर होती है चाहत होनी चाहिए। मतारी के वचन दे के आलो की माई सच्चो तुम्हें दिधवा की कीमत हुई तो बाबू को पता लगा के आई। बाबू से मिले जाते लेकिन अभी परचे नहीं हो। बाप पूछता है बूढ़ा जवान पहले का कैदी सैनिक पूछ रहा है कि बेटा तू कहाँ का रहने वाला है? कल बाबू हम उत्तर प्रदेश में पाराई जिला कुमार गाँव है। घर बाप गाँव कौन हो? ए बाबू तो खाना पट्टी का नाम लिया है, आधी बात पूर हो गई है, नैन से आंसू धोने लगल। बेटा खाना पट्टी में तेरे माता पिता बातें करते 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 और जब पर्चे हो गई जान गल की हमारी लाल हुआ आए लाल करके गले से लगाता है, छूटना नहीं चाहता है, दोनों एक बदन हो गए। उसी जेल के अंदर उसी जेलर के सामने ही बातें हो रही है और जब बातें हो रही है तो कैसे खुलासा हुआ? अरे कहा पता लगाया जेल के अंदर, अरे पता लगाया जेल के अंदर बिना पिता को जो तले खाफ में पिता पुत्र कह मुश्किल है बड़ी निहाई हो। अरे जेल के अंदर भाई जेल के अंदर जेल सुना कहानी पानी भारत का भैया लोगन बाबू लोगन चाचा लोगन जौने समय बाप बेटा से मिलल हो और बातें सुनते सुनते वह रामो उर्फ सुल्तान भी समझ गया कि इतना जुड़वा भाई है जो काफी दिनों से इसी जेल में बंद है, मैंने पहचान नहीं सका कैसे कदम रुकी हो, कैसे दिल दिल से टूट सकाला, पिछड़े दो भाई मिलते हैं और संयोग बढ़िया हो कि भतीजा भी बाल हमारे बराबर हो। कभी यहाँ संकेत किलन का संकेत किलन आए अरे भूलवा सपहला लाल ए बाबू खून कैसनैया अब पौले सुलतान नाही भेदवा है Oh,
सुखी रखें। पांच मिनट के गीत और बाबा चौने समय भाई भाई से मिलन, साथ ही दिनों से बिछड़े के बाद भारत और राम का जो मिलन भेल हो, बगल में खड़ा है बसंत मुल्ला, घर 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 रोहत हो। माई से वचन देने हुई बाबू को पता लगाई, अंदर अंदर छाती गजोत हो तो कि अपने बाबू इतना पढ़ते बाबू को नहीं पता लग जा बड़का पापा करके चरणों में झुक के प्रणाम किया, गले से लग गया, तीनों लिपट गए हैं। एक पतन दिखाई दे रही है, भाव छिपे रूप में प्रकट करने के बाद 14 अगस्त को हिंदुस्तान में 15 अगस्त को सत्ता दिवस मनाया जाता है, पाकिस्तान में 14 अगस्त के दिन आजादी के जश्न में डूबे थे। एक भाई अपने भाई को रास्ता बना करके जेलर था ही गाड़ी से जब छोड़ दिया है बॉर्डर से थोड़ा करीब, दोनों बसंत और सामू जब कई दिनों से भूखे प्यासे बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं तब और छूट के बसंत जब सामू हो गया है बसंत, तर 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 पाकिस्तानी गोली चलाते हैं सैनिक बाबू जी। जो ही भारत के बॉर्डर पर पहुंचा है, बूढ़ा शेर पिता अपने बेटे को कंधे पर उठाता है और लेकर के भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके जब भारत में प्रवेश किया है तो शांत हुआ और गिर जाते हैं दोनों जब भारत की मिट्टी में। 17 अगस्त को भारतीय सैनिक गश्त के लिए निकले हैं, जब देखते हैं एक जवान जो बसंत है उठाए हैं, उसके साथ में एक सैनिक और कोई कैदी है, बचा नहीं पाए। लेकिन सैनिक हॉस्पिटल में जब भर्ती कीलन खबर दिखल गई माई और पत्नी के, वह समय जब चलल हो मेरा खबर बोले हमारा लाल बसंत घायल होकर के सैनिक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। जो ही हॉस्पिटल में प्रवेश करती है बाबू सामने की खाट पे बसंत पड़ा है, बेहोश है, होश में नहीं है। मतारी के आवाज गई जब लाल कह के छतिया पर हाथ रख ले हो, एकाएक नयन खुलल हो, पुलकित हृदय हुआ माँ के अपने चेहरा में, अपने शरीर के अपने हृदय में उतर ले बा माई के, तो कहे की माई हथवा पकड़ ले से और बसंत अपने मतारी मिया से कहले का कहले उसके शरीर पर कलेजे पर हाथ रखती है, लाल चेहरा सहलाती है,
तुरंत वह बेहोशी हालत में बसंत अपनी माँ की शक्ति अपनी माँ की बोली पर नयन से टकटकी लगा करके हथवा पर कलश इशारा करत हो। का कहत हो? हाथ पकड़ के बता रही से ए माई तो उसे वचन दे के चल रही कि पापा के लिए एकाई वेतन है ना ही दुगुल दुगुनी खुशी है। अब ही मतारी से कुछ नया संदेश देवे चल रहा का कहत हो हे माई की जलिया में भरी ए माई अत्यंत खुशी है वाह मारे लाल कह की जलिया में भरी पर के पापा जी से भेटी यही है देश में करने का जज्बा साहब देखे बड़े पापा के भी लेके खबर आल है माई तरह बताओ तो हथवा पकड़े के तब पतले मालिक को मंजूर रही रहा उस वीर को भी यहाँ से उठा ले गए और मतारी अब वह मतारी से पूछा का दशा हुई बानी नहीं निकल रही है लेकिन आवाज दिल के लाल मने पेल रही लाल तो है हमने एक ही चिराग रहला आवाज देती है लाल जनवरी 2002 में जिस समय सुल्तान वीजा बनवा करके परिवार से मिलने आता है बहराइच में पहुंचता है दूर से ही खबर लगी है बाबू लेकर के गम वापस चला जाता है तब अहिले सुल्तान चमकी हिंद के धरतिया रोता ले रोता नाही आखी ऐसे We'll be right back.